छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए तैयार की गई नीति का बलरामपुर जिले में असर नहीं दिख रहा है। यह नई रेत नीति सीएमडीसी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नई रेत नीति के तहत प्रांगण नदी से जारी रेत के खनन में ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं या मजदूरों से काम न लेकर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मशीन से रेत की लोडिंग होने से ग्रामीणों का रोजगार छिन गया है। वहीं रेत के ओवरलोड वाहनों से जिले की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, साथ ही जंगल के रास्ते रेत परिवहन के नाम पर हरे भरे पेड़ भी काट दिए गए हैं। वे ओवरलोड वाहनों के दौड़ने से उड़ते धूल के गुब्बार ग्रामीण खासे परेशान हैं। मामले में कलेक्टर ने इस मामले पर कलेक्टर ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। रेत खदान जो पचावल में चल रहा है, वहाँ से पचावल के नामे से त्रिशूलियों का रेत लाद कर यूपी जाते हैं। और ये सीएम जयसवाल का सड़क है जो क्षति हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, इसके कारण में हम लोग मतलब हम लोग का मांग है शासन प्रशासन सभी से, शासन सत्ता से, कि इस सड़क को क्षति न पहुंचाया जाए। हम लोग के आने जाने के सिंगल रोड है जिससे बहुत कठिनाई पड़ रही है। लेबर के द्वारा होता तो यहाँ के लोग को रोजगार मिल जाता और काफी मात्रा में ट्रक चल रहे हैं जिससे स्कूली बच्चे लोग काफी परेशान हैं। रोड टूट रहा है और गर्दा काफी उड़ रहा है। सिंगल रोड है और रोड टूट रहा है, पुलिया भी टूट जा रहा है और स्कूली बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और हम लोग रोकते हैं तो प्रशासन थाना पुलिस सब बोलते हैं कि जाने दो, मत रोको। मैं तो पहले भी पूरे पत्रकारों को लेकर के वहाँ दौरा कराया था, बातचीत किया था, पूरा जिस प्रकार अवैध धंधे वहाँ चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वर्तमान सरकार के नाक के नीचे वहाँ के सभी वहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस के वहाँ के विधायक उनकी देखरेख में, उनके निगरानी में और उनके पटस्थिति में सब काम जो है पूरा चल रहा है। जो उनको एग्रीमेंट हुआ उसमें सेमी मैकेनाइज्ड है, उसमें सेमी मैकेनाइज्ड मैनुअल नहीं है, सेमी मैकेनाइज्ड जो कॉन्ट्रैक्ट में ही है, सेमी मैकेनाइज्ड माइनिंग कर सकते हैं। वो माइनिंग प्लान में ही स्वीकृत होकर के आया हुआ है, जो एनवायरमेंट से क्लियरेंस हमको मिला हुआ है। और ओवरलोडिंग तो अलाउ नहीं है, यदि ओवरलोडिंग का होगा तो उसको हम लोग देखें।